नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, ये अपडेट जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत पहले सुनी होगी, देखी होगी कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 जो भर्तियां हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश अनुसार पूरी की जाएंगी। 100 दिनों का एक एजेंडा आप लोगों ने सुना होगा, वो बनाया गया, जिसके तहत 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती यानी UPSI की जो भर्ती थी उसे पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। अब जो कांस्टेबल की भर्ती आ रही है दोस्तों, इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, और इसका सीधा सीधा सा जो मामला है वो चुनाव से कनेक्ट हो जाता है। सीधा सीधा इस भर्ती का कनेक्शन पहले विधानसभा चुनाव से था, और अब जो है वो है भैया लोकसभा चुनाव से। तो देखिए, ऐसे में कुछ बच्चों ने ये जो कटिंग है वो एडिट करके डाली है। उन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है, भर्ती पूरा होना तो छोड़ो, दिसंबर 2023 तक अगर आवेदन शुरू हो गए तो ये बड़ी बात है। तो देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ किया है, झूठ जो बोला है, और आप लोग ये चीज़ जानते हैं, साल 2021 से ही लगातार ये भर्ती आ रही है, लेकिन साल 2022 भी बिल्कुल समापन की ओर है, एक दो महीने और बाकी है भैया, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या इस भर्ती को सरकार इसी साल निकाल पाएगी, ये भी बड़ा एक दोस्तों चिंता का विषय हो सकता है। तो दिसंबर 2023 तक की तो पुष्टि इन्होंने करा दी, और इतना भी पता है कि जब ये भर्ती आ जाएगी तो इस पर दिन रात काम होगा, बहुत ही जल्दी ये कवर करा ली जाएगी। और हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है, एक अपडेट और भी डाली गई थी जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के जो पद हैं वो नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता है, ये भी मैंने आप लोगों को वो जो कटिंग थी न्यूज़पेपर की वो भी दी थी, जो 5 तारीख की जो कटिंग थी, 5 सितंबर की, ठीक है, मैंने वो भी आप लोगों को दिखाई थी। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाए तो ये बड़ी बात है। तो क्या ये भर्ती आएगी? नहीं, देखिए भर्ती बिल्कुल आएगी, और नाराज़ होना आप लोगों का बिल्कुल जायज़ भी है। ये एक ऐसा विषय नहीं था जिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता, लेकिन बच्चों ने ये क्या खूब एडिट करके डाला है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया इस वीडियो के लेकर। बच्चे यहाँ तक सोच रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक अगर इसके लिए आवेदन आ जाता है तो बड़ी बात है, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने इस समय दोस्तों जो झूठ बोला है, पहले इसी भर्ती के थ्रू बना लिया अपना इन्होंने विधानसभा चुनाव, फिर अब इसी भर्ती को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव है वो होता है भैया। तो ऐसे में ये भर्ती तो आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल इस भर्ती के आने के कोई चांस है। हालांकि देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल क्लू नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, कि न्यूज़पेपर की कटिंग पर हम इतना भरोसा भी नहीं कर सकते। वो एक न्यूज़पेपर की ही कटिंग थी जो मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले, 2 से 3 दिन पहले ही दी थी। तो ऐसे में दिसंबर 2023 तक तो लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि दिसंबर 2023 तक ये भर्ती तभी पूरी हो पाएगी जब इस भर्ती को अब सितंबर अक्टूबर में शुरू किया जाएगा, तभी जाकर ये भर्ती पूरी हो पाएगी, ठीक है ना। वरना दिसंबर 2023 तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस भर्ती को पूरा करा पाएंगे। करा पाने के लिए हो सकता है कि जनवरी में इनकी प्लानिंग हो शुरू करने की, तो देखिए इनके ऊपर डिपेंड करता है ये जो चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है भाई दिसंबर 2023 तक इसके पूरे होने के पूरे जो अनुमान हैं वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है भैया, जय हिंद।